Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उमा शंकर बेरिया पर लगे गंभीर आरोप, उच्च न्यायालय ने दी दोबारा पदभार संभालने का मौका। गंभीर आरोपों के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर हसेरा ब्लॉक प्रमुख उमा शंकर बेरिया ने संभाला पदभार। पिछले कई महीनों पहले हसेरन ब्लॉक प्रमुख उमा शंकर बेरिया आरोपों को लेकर हसेरन ब्लॉक प्रमुख पद से हटा दिया गया था और 3 सदस्य टीम गठित कर चार्ज दिया गया था। इसके बाद उमा शंकर बेरिया ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और अपनी अपनी अर्जी दाखिल की। इसके बाद सभी पक्षों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हसेरन ब्लॉक प्रमुख उमा शंकर बेरिया पर लगे गंभीर आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांची, जिसमें आरोप निराधार पाए गए और उमा शंकर बेरिया को दोबारा हसेरन ब्लॉक प्रमुख कुर्सी पर बैठने के लिए आदेश दिया। वही आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ उमा शंकर बेरिया ने अधिकारियों की मौजूदगी में हसेरन ब्लॉक के सभागार में पहुंचकर दोबारा ब्लॉक प्रमुख पद का कार्यभार संभाला। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य काफी खुश दिखे और उमा शंकर बेरिया ने बताया कि यदि सच्चाई के रास्ते पर चलो तो भगवान भी आपका साथ देता है। और वही पूर्व ब्लॉक प्रमुख उदय राजपूत ने बताया कि एक आदमी के इशारे पर सत्ता पलट कर पूरा खेल होता है, उसी के चलते हमारे भी कुर्सी छीनी गई थी। वही हाल हमारे साथी उमा शंकर बेरिया जी का हुआ, लेकिन भगवान ने उनका साथ दिया और दोबारा ब्लॉक प्रमुख पद हासिल किया। उन्होंने कहा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला उचित है, हम उनका सम्मान करते हैं और सदा करते रहेंगे। हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए विकास की गंगा बहा देंगे। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख उदय राजपूत, शरद यादव, बिल्लू दुबे, अनिल पाल राठौर, मुनेश अनिल बाबा सहित कई क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम नहीं था ये, हमारे साथी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य गण हैं, जब उच्च न्यायालय का आदेश आया है और प्रमुख सचिव ने उसके अनुपालन में हमारे वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बहाल किए हैं, उसके संबंध में हम आज विकास खंड में खंड विकास अधिकारी से शिष्टाचार भेंट के उद्देश्य से आए हैं और आदेश के अनुपालन की उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय और प्रमुख सचिव के आदेश के अनुपालन में विकास खंड में जो विकास की गति रुकी पड़ी है उसको तीव्र करें और हमारे जरूरतमंदों के जो कार्य पड़े हैं अधूरे उनको पूरा किया जाए।